फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि तुम हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो अपने ब्लॉग से कि अपने घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला छोड़ दो ताकि जिसका मन जब चाहे वो घर के अंदर प्रवेश करे और जो मन चाहे करता रहे। यहाँ पे पंडित की तो अपनी ही धुनकी में है, वो कुछ ना कुछ करते जा रहा है आके। ये मंत्र वंतर, बेटी फूक फाक मार रही है बाप में, बाप मार रहा है फूक फाक बेटी में, ये चल क्या रहा है? ये सभी बस देखने के लिए बचा हुआ है और कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिखा सकते? वहाँ गुनगुन गुनगुन के तो प्रेगनेंसी से नौटंकी स्टार्ट हुआ, तो गुनगुन का अब तो गुनगुन का ही नामो निशान नहीं है। बच्चा तो पता नहीं लगता 2025 आ जाएगा, मगर गुनगुन का बच्चा नहीं आएगा इस दुनिया में। और अब ये पंडित है, ये महाशय भी अपने में लगे हुए हैं। राधिका को होश आता है जाता है, राधिका भूत बनी बैठी रहती है और यहाँ हम ऐसे देख रहे हैं कि कब क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो मैं राधिका की मम्मी को बोलूँगी कि पुलिस को बुलाओ, इसको अंदर करो, दो चार डंडे खाएंगे। घर में क्या डंडे वंडे नहीं रखते हो क्या? कुछ भी ऐसा नहीं रखते हो क्या जिससे इस पंडित को मार सको अच्छा से? दो चार हाथ खाएगा तो अपने आप राधिका को ठीक कर देगा, या तो राधिका कोई दूसरे तंत्र मंत्र करने वाले के पास लेके जाओ, जैसे मैंने बोला पहले। अभी ये सब नौटंकी करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इतनी गर्मी छाई हुई है, आपके तो वहाँ तो और गर्मी होगी, तो फालतू का ये सब नौटंकी क्यों करे? कोई अच्छा चीज़ दिखाओ भाई, देखने में अच्छा भी लगे, देखने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और हम लोग को कोई अच्छा मैसेज मिले, ऐसा कुछ करो। ये सब अगड़म बगड़म दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, राधिका को कब तक आता है होश, क्योंकि राधिका का तो यहाँ होश आने का तो लगता चांसेस है कम। यहाँ तो जाओ तो उन्होंने लगता कॉम्पिटिशन चला है बाप बेटी में, कभी ये फूक मारा तो कभी वो फूक मार रही है, बस यही चल रहा है, हम यही देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जिसको अच्छा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक